17 बार मुगलों के आक्रमण को विफल करने वाला असम का अहोम किंगडम और इसका ग्लोरियस हिस्ट्री इतिहास के पन्नों में जैसे खो सा गया है। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि कैसे शिवाजी महाराज अपने अदम्य साहस और शौर्य से मुगलों की नींद हराम कर रखी थी, तो महाराणा प्रताप जैसे अनेक राजपूत राजा शरीर में सैकड़ों घावों के साथ मुगलों के विरुद्ध युद्ध मैदान में डटे रहे थे, तो दक्षिण में विजयनगर एम्पायर मुगलों को दक्षिण में विस्तार करने से रोक रहा था। लेकिन इन सभी साम्राज्यों के समकालीन ही भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम था जो मुगलों को टक्कर दे रहा था। वो था ब्रह्मपुत्र वैली में फैला हुआ असम का अहोम किंगडम। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी असम और उसके आसपास के इलाके पर करीब 600 साल तक अहोम डायनेस्टी के 41 राजाओं ने रूल किया। जिन मुगलों की हिस्ट्री को काफी ग्लोरीफाई करके हमें बताया गया है, उन्हीं मुगलों को ये अहोम के राजाओं ने 17 बार हराया था। अहोम के लोगों का रिवर वारफेयर लाजवाब था और इसके सामने मुगलों के लाखों सेना, तोप और घुड़सवार सभी मात खा जाते थे। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री इन मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं असम के अहोम साम्राज्य के बारे में, जिसने मुगलों को 17 बार टक्कर दी थी। सुखफा नाम का एक ताई प्रिंस था जो म्यांमार के मोंगमाओं का रहने वाला था, जो मोंगमाओं को छोड़कर कुछ लोगों के साथ लंबे रास्ते पर चलता हुआ पटकाई माउंटेन को पार करके 1228 में असम पहुंचता है। रास्ते में वो कई जगहों पर रुकता है, कई जनजातियों को परास्त करता है जिसमें नागा भी एक है, और वो फाइनली ब्रह्मपुत्र वैली में पहुंच जाता है। 13 सेंचुरी की शुरुआत में एक साम्राज्य की स्थापना करता है जो अहोम किंगडम के नाम से जाना जाता है। अहोम साम्राज्य की स्थापना के बाद राजा सुखफा ने घोषणा की कि इस साम्राज्य की राजधानी होगी चराइदेव, जो असम के शिव सागर के पास है। यूं तो अहोम साम्राज्य पर रूल होता था राजा का, जिसे वे चाउफा कहते थे और असमी भाषा में उसे स्वर्गदेव कहा जाता था। लेकिन ये सभी राजा ब्रह्मपुत्र वैली की सभी जातियों और जनजातियों से सौहार्दपूर्ण रिश्ता रखते थे, वैवाहिक संबंध बनाते थे। उन्होंने अपने साथ लाए मोंग माओ के कल्चर को लोकल लोगों पर कभी थोपा नहीं, बल्कि विदेशी होकर भी नेटिव कल्चर को अपनाते थे। कई राजा तो अपना टाइटल स्वर्ग नारायण रखने लगे थे। अहोम राजा जयध्वज ने तो फॉर्मली हिंदू धर्म को अपना ही लिया था। असम के मल्टी एथनिक ग्रुप को यूनिफाई कर एक स्ट्रॉन्ग अहोम डायनेस्टी की तभी तो वो नींव रख पाए थे। अहोम राजा अपने साथ लाए थे एडवांस तकनीक वेट राइट कल्टीवेशन का। असम के उपजाऊ जंगल और मार्शी लैंड को फ्लैट राइस फील्ड में कन्वर्ट कर दिए, बहुत सारे बांध बनवाए ताकि पानी को रोका जा सके और धान की खेती हो सके। अहोम राजाओं ने बुरांजी राइटिंग को काफी प्रोत्साहन दिया, यानी राजाओं ने अपने रूलिंग पीरियड को क्रॉनिकल वे में लिखने का सिस्टम शुरू करवाया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अहोम कागजी राज था, यानी किंगडम विथ रिकॉर्ड, जैसे मुगलों का हुआ करता था। अहोम अपने साथ लाए थे प्रॉपर राजनीतिक व्यवस्था, जो एक मजबूत राज्य के लिए बहुत जरूरी है, यानी बेसिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर स्टेट बिल्डिंग। एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष पर चाउफा यानी राजा हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए 5 मंत्री होते थे, जिन्हें पात्रो मंत्री कहा जाता था। एक प्रधानमंत्री होता था जिसे बोर पात्रो कहा जाता था। राजा का पावर 2 पदों में विभाजित था, बोर बरुआ और दूसरा बोर फुकान। ये दोनों राजा यानी स्वर्गदेव द्वारा कंट्रोल्ड होते थे। मिलिट्री सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अहोम राजाओं ने पाइक सिस्टम को ब्रह्मपुत्र वैली में इंट्रोड्यूस किया था। पाइक सिस्टम में ऐसा नियम था कि अहोम साम्राज्य के 15 से 50 साल के हर एक लोग पाइक कैटेगरी में आते थे। ऐसा करके अहोम राजाओं ने अपने साम्राज्य के हर एक नागरिक को अहोम साम्राज्य की सुरक्षा में शामिल कर लिया था। और यही पाइक सिस्टम का ही कमाल था कि अहोम जैसे छोटे साम्राज्य ने विशाल मुगल साम्राज्य को 17 बार टक्कर दी थी। 4 पाइक को मिलाकर एक गोट बनते थे। ये गोट नहरों के निर्माण, डैम बनाने और अन्य पब्लिक सर्विस के काम में लगे रहते थे। लेकिन जब वॉर टाइम यानी युद्ध का समय होता था तो इन गोटों को आर्मी में सर्विस देना पड़ता था। 1576 तक मुगल अपने साम्राज्य का विस्तार करके बंगाल तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी अहोम साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच कोच साम्राज्य था जो बफर राज्य था। लेकिन कोच साम्राज्य के पतन के बाद मुगल और अहोम दोनों आमने सामने आ गए। 1616 में अहोम और मुगल के बीच बैटल ऑफ समधारा हुआ, जिसमें अहोमों ने मुगल को मानस रिवर तक धकेल दिया था। 1657 में अहोम राजा जयध्वज सिंहा ने
कामरूप तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था, यानी पूरा ब्रह्मपुत्र वैली अब अहोम के कंट्रोल में था। औरंगजेब के सेनापति मीर जुमला ने 1662 में अहोम किंगडम को भेदने की कोशिश की, लेकिन 1671 में प्रसिद्ध बैटल ऑफ सरायघाट में अहोमों की ही विजय हुई और उस विजय का श्रेय जाता है अहोमों के सेनापति और वीर योद्धा लचित बुरफकान को, जिसके शौर्य को आज भी असम में सेलिब्रेट किया जाता है। विशाल मुगल सेना से जीतने के बाद भी लचित बुरफकान को ऐसा लगा कि मुगल चुपचाप नहीं बैठने वाले, इस हार का वे जरूर बदला लेंगे। और ऐसा हुआ भी। राम सिंह के नेतृत्व में मुगलों ने फिर आक्रमण किया, लेकिन रिवर वॉरफेयर में माहिर ये अहोमों ने विशाल मुगल सेना को परास्त कर दिया और अहोमों की संप्रभुता और अखंडता बरकरार रह गई। लेकिन बाद के दिनों में मोआमोरिया के रिवेलियनों से और बर्मीज अटैक से अहोम साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और बर्मीज ने अपने साम्राज्य में इसे मिला लिया। लेकिन 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडुबू से ब्रिटिश सरकार के हाथ में ये आ गया। तो ये था अहोम किंगडम की स्थापना, उत्कर्ष और विस्तार पर मेरा ये वीडियो। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।